पंजाब में पराली जलाए जाने के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि पंजाब में पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे हैं हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे में कहा गया कि पराली जलाने वाले लोगों पर दो करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा चुका है कई जिलों में एफ़ हुई है पंजाब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पंजाब के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पराली बिल्कुल नहीं जलाई जा रही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में ऐसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें पराली जलाने की समस्या ना हो यानी कि जिनके अवशेष को जलाना ना पड़े साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जो किसान पराली जलाते हैं क्यों ना उनको एम का लाभ देना बंद कर दिया जाए हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीखना चाहिए कि इंसेंटिव कैसे दिया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से चुकी लगातार कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार अपने किसानों से पराली खरीद रही है और इसलिए हरियाणा में पराली जलाने की जो समस्या है वो कम हो रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को सलाह दी कि हरियाणा से सीखें कि इंसेंटिव कैसे दिया जाता है इस पूरे मामले में अगली सुनवाई है उस तक हरियाणा को और पंजाब को कहीं ना कहीं जवाब देना है कि आगे क्या कदम उठाए गए हैं किस तरह से पराली जलाने के मामलों को और कमी लाई जाए पंजाब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल कि अगली तारीख तक क्या जवाब देगी और क्या पंजाब में पराली जलाने के मामले अगली तारीख तक कम होंगे या नहीं कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह